भारत में एम्बेसडर कार को हमेशा पावर और रसूख से भरपूर स्टेटस सिंबल माना गया और दशकों से इसे देश चलाने वालों की पावरफुल गाड़ी के रूप में देखा जाता रहा। लेकिन फिर एम्बेसडर का दौर खत्म हो गया और वो धीरे धीरे भारतीय सड़कों पर दिखाई देनी बंद हो गई। अब सड़कों पर कम संख्या में एम्बेसडर दिखाई देती हैं, लेकिन इस कार को लेकर भारतीयों की नजर नहीं बदली है। इसीलिए जब यह खबर आई कि एम्बेसडर कार फिर से आ रही है तो इस कार के फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई और सवाल उठे कि आखिर कैसा होगा इलेक्ट्रिक एम्बेसडर का डिजाइन। फ्रांस की कंपनी पूजो और हिंदुस्तान मोटर्स ने इलेक्ट्रिक एम्बेसडर बनाने के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी की शुरुआत दोपहिया वाहनों के लॉन्च से होगी और 2024 तक एम्बेसडर के इलेक्ट्रिक मॉडल के लॉन्च की संभावना है। फाइनल आधिकारिक डिजाइन भविष्य में सामने आएगा। एम्बेसडर पर जानकारियों का रिवर्स गियर लगाएं तो ये कोई सामान्य कार नहीं थी, ये बड़े नेताओं और मंत्रियों की पहली पसंद थी और इसे सिर्फ कार की तरह नहीं देखा गया बल्कि शक्ति का प्रतीक माना गया। एम्बेसडर का एक सुनहरा दौर भी था। 70 के दशक में बाजार में 70% हिस्सा एम्बेसडर का होता था। बाद में ये चलन से बाहर होती गई और 2014 में आखिरी बार पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। इसके बाद इसका निर्माण घाटे की वजह से बंद हो गया। फिर 2017 में हिंदुस्तान मोटर्स ने फ्रेंच कार कंपनी पूजो को एम्बेसडर का नाम और इसके राइट्स 80 करोड़ रुपए में बेच दिए थे। तब लगा था कि एम्बेसडर का किस्सा यही खत्म हो गया, लेकिन अब इसकी वापसी का संयोग बन रहा है।